दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो नए ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग शूट हो रहा है ना वो कर रहा हूँ मैं रात में शूट, क्योंकि कल परसों में आया नहीं था दिन में, इसलिए ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिला था। और रात में आज माँ गंगा के दर्शन कराने वाला हूँ, और रात का कितना सुंदर नज़ारा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी वीडियो के माध्यम से बाकी नई अपडेट भी दूंगा। अभी शुरुआत करते हैं आगे की वीडियो की, स्टार्टिंग करते हैं और दिखाते हैं सभी घाट के दर्शन। आप लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से सामने घाट के, पहले तो सबसे पहले आप देख सकते हैं नाई वाले घाट के नज़ारे, क्योंकि अभी भी हमें कुछ श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं जो आप लोग देख सकते हो सामने घाट पे। ये अभी स्नान करेंगे इतनी ठंड में, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। और जो रात में होता है ना दोस्तों, थोड़ा सा जल बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जो होती है रात के समय माँ गंगा की आरती, उस समय थोड़ा जल को बढ़ा दिया जाता है, उस समय कम नहीं होता है, और बाकी दिन में जल कम कर दिया जाता है। इसलिए बाकी तभी आप लोगों को यहाँ पे जो देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा सा जल देखने को मिल रहा है, देखो दिख रहा है ना, काफ़ी जल देखने को मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। ये देखिएगा सामने तक आप लोग देख सकते हो, और अभी सामने घाट में भी काफ़ी श्रद्धालु हमें दिखाई दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हो जो मेन घाट है हरिद्वार के, यानी कि जो सामने ब्रह्मकुंड घाट वगैरह है ना, वहाँ पर भी काफ़ी श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। ये देखिए, ये देख सकते हो सामने के नज़ारे भी पूरी तरीके से। चलते हैं थोड़े सामने घाट के व्यू दिखाते हैं हम लोग को। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को एक बार बड़ी वाली धारा की तरफ व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जहाँ पे धनुष वाला पुल है उस तरफ की व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखो भाई को, देखो भाई इतने ठंड में भी स्नान कर रहा, देख सकते हो पूरी तरीके से। लेकिन ये रहा सामने का व्यू, आप लोग देख सकते हो, ये देखो ये रही बड़ी वाली धारा, लेकिन सामने रहा धनुष वाला पुल, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से कितना प्यारा नज़ारा है। लेकिन रात में दोस्तों आप लोगों को बता दूं ना भाई, इतनी गजब की हवा चल रही है ना भाई, सच में इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी और रात में इतना ठंडा सा महसूस हो रहा है ना सच में, क्योंकि हवा भी काफ़ी चल रही है। बाकी चलते हैं सामने की ओर, और सामने घाट की आप लोगों को भी दिखाएंगे, लेकिन मज़ा भी आ रहा है रात में भाई, सच में बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। बाकी यहाँ से निकलूँगा मैं, ठीक है, ये रहा संजय पुल, आप लोग देख सकते हो, यहाँ से चलूँगा मेन घाट की तरफ, ठीक है, चलो भाई। और यहाँ से आप लोग जल देख सकते हो पूरी तरीके से, जब मैं परसों स्नान करने के लिए आया था आप लोगों ने देखा होगा कि कितना कम जल था, देखा था ना आपने कितना कम जल था, और आज देख लो कितना काफ़ी जल है ना अभी, ये देख सकते हो, ये देखो भाई पूरी तरीके से आप लोग देख सकते हो। लेकिन कल परसों, हाँ परसों जब आया था तब तो कम था, क्योंकि दिन का समय था ना, उस समय थोड़ा जल कम कर दिया जाता है, लेकिन रात में आरती के समय और कल सुबह तक ये इतना ही रहेगा, फिर दिन में थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। ये रहा मेन घाट हरिद्वार का, देख सकते हो सामने, ये देखिएगा, ये देख सकते हो दोस्तों मेन घाट ये रहा हरिद्वार का, जिसे बोलते हैं ब्रह्मकुंड घाट। लेकिन काफ़ी श्रद्धालु हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर भी, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। ये देखिएगा, ये लोगों के स्नान करते हुए भी देख सकते हैं, और आज हमें काफ़ी भीड़ भी देखने को मिली है। अब धीरे धीरे जैसी जैसी गर्मी बढ़ती रहेगी वैसी वैसी भीड़ भी बढ़ती रहेगी यहाँ पर, ये देख सकते हो पूरी तरीके से। और सामने के नज़ारे आप लोग देख ही सकते हो, जो है मेन घाट हरिद्वार का, ये देखिएगा। दोस्तों अभी देख सकते हो हम ब्रह्मकुंड घाट से आगे है थोड़ा सा पार्क, आप लोग देख सकते हो, लेकिन सामने घाट पे भी कुछ छोटे छोटे बच्चे हमें स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतनी ठंड में भी आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से माँ गंगा में किस तरह से डुबकी लगाते हैं लोग, ये देख लो। लेकिन रात में अभी काफ़ी हवा चल रही है ठंडी सी, आप लोगों को बता दूँ, दिन में तो गर्मी है लेकिन रात में अभी ठंडा सा महसूस है, आप लोग देख ही सकते हो। लेकिन स्नान करने वाले लोग तुम्हें बिल्कुल दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि स्नान करने वाले लोग खाली दिन में ही रहते हैं, रात में भी माँ गंगा में आप लोगों को डुबकी लगाते हुए काफ़ी श्रद्धालु दिख रहे होंगे, ये देख सकते हो पूरी तरीके से, ये देख रहे हो। और ये कुछ भाई लोग, ये देख लो, ये पूरी तरीके से ये भी डुबकी लगा रहे हैं, देख सकते हो, ये देखिएगा रात के सुंदर नज़ारे, देख सकते हो रात में भी श्रद्धालु को देख सकते हो माँ गंगा में डुबकी लगाते हुए पूरी तरीके से। और गंगा का व्यू अभी रात में देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है, ये देखो, ये देखो पूरी तरीके से, ये देखो भाई, ये देख रहे हो किस तरह से स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ लोग यहाँ पे भी स्नान कर रहे हैं पूरी तरीके से, ये देखिए। अभी थोड़ा सा सामने घाट के देख सकते हो, महिला वाला घाट हो रहा सामने की तरफ, और जेरा मालवी घाट यहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। यहाँ पे भी कुछ लोग हमें स्नान करते हुए दिखाते रहे, लेकिन रात का सुंदर सा नज़ारा आप लोगों को यही था आज दिखाने का, क्योंकि मुझे लगा आज रात के व्यू लेके आया जाए एक बार आप लोगों के लिए, क्योंकि दिन में तो काफ़ी वीडियो लेके आता हूँ, मैंने सोचा आज एक बार, बहुत दिन भी हो गया और रात का नज़ारा आप लोगों के लिए लेके नहीं आए थे, आज फिर से पहुँचे हैं। ये रहा मालवी घाट पूरी तरीके से, देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर भी स्नान करते हुए दिखे, इतने ठंड में देखो भाई पूरी तरीके से, ये सामने के नज़ारे देखो, ये देख शिव घाट की ओर दिखाऊँ आपको, शिव घाट की तरफ आप लोगों ने व्यू देखा, ये देखो दोस्तों ये रहा शिव घाट की तरफ व्यू, आप लोग देख सकते हो। उस दिन तो मैं वहाँ की वीडियो लाया था आप लोगों को, आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी
अच्छा नज़ारा था वहाँ का भी, जब मैं रात में गया था वहाँ पे, आप लोगों को दर्शन भी कराया था उस वहाँ पे, आप लोगों ने किया होगा दर्शन पूरी तरीके से उस घाट के, उसने ले गया था आप लोगों को पता ही है पूरी तरीके से। ये देखिएगा, लेकिन ये देख सकते हो, और इस घाट पे भाई हमें कोई भी नहीं दिख रहा है स्नान करते हुए, देख रहे हो आप, यहाँ पे कोई भी नहीं है दोस्तों पूरी तरीके से, आप लोग देख सकते हो। ये देखो इस घाट पे बिल्कुल भी एक भी श्रद्धालु नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट नहीं है ना, एक तो यहाँ पे पूरा अंधेरा सा रहता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अंधेरा है ना, इसलिए कोई नहीं है। बाकी जो मेन घाट है ना हरिद्वार के, जिसके ब्रह्मकुंड घाट, नाई घाट और मालवी घाट, जहाँ पे वहाँ पे आप लोगों को मतलब काफ़ी लोग दिखेंगे स्नान करते हुए। और बाकी जो इस तरफ के घाट है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ ही लोग दिखेंगे इक्का दुक्के, वैसे मतलब नहीं रहते हैं यहाँ पे, आप लोग देख ही सकते हो पूरी तरीके से। ये देखो आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, बस सिर पे दिख रही होगी तो थोड़ी सी माँ गंगा की मूर्ति दिख रही होगी, दिखाऊँ। ये देखो, ये देखिए माँ गंगा की मूर्ति पूरी तरीके से। निकलते हैं यहाँ से, बाकी और मेन घाट के दर्शन कराते हैं। चलो दोस्तों, ठंड तो काफ़ी होने लग गई है भाई, रात में हवा चल रही है काफ़ी तेज़, लेकिन ठंड का महसूस तो हो ही रहा है रात में पूरी तरीके से। लेकिन व्यू देख लो चारों तरफ, हवा कितना प्यारा लग रहा है ना। अभी चलते हैं थोड़ा इस घाट की ओर, इस घाट के भी आप लोगों को नज़ारे दिखा रहे हैं, लेकिन मज़ा आया भाई पूरी तरीके से। चलते हैं थोड़ा सा इस तरफ, चलो ये देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ लोग दिखेंगे तुम्हें स्नान करते हुए, दिख रहे हैं, ये देखिएगा। लेकिन यहाँ पे जल का बहाव काफ़ी तेज़ रहता है, आप लोग देख ही सकते हो, ये देखिए कितना तेज़ है, दिख रहा है आपको, काफ़ी तेज़ है भाई जल का बहाव। ये देख, ये देखिएगा भाई पूरी तरीके से, ये देखो। तो रात के नज़ारे आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन अभी काफ़ी ठंडी हवा चलने लगी है धीरे धीरे, लेकिन अभी श्रद्धालु की भीड़ भी बढ़ रही है, आप लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से, लेकिन काफ़ी श्रद्धालु है। लेको रात में भी पूरी तरीके से माँ गंगा में डुबकी लगाते हुए दिखेंगे आप लोगों को, और सामने के नज़ारे आप लोग देख ही सकते हो पूरी तरीके से, और नीचे से माँ गंगा, ये देखिए चल 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 आती हुई माँ गंगा की लहर भी देख सकते हो पूरी तरीके से, और दर्शन कर सकते हो। ये देखिए क्या सामने के घाट के नज़ारे पूरी तरीके से, ये देखिए। अभी निकलते हैं यहाँ से, आप बाकी घाट के आप लोगों को दर्शन करा दिए, चलो दोस्तों चलते हैं। तो सभी घाट के दर्शन करा दिए, निकलते हैं यहाँ से, बाकी आज के ब्लॉग को करते हैं समाप्त। तो तुम्हें मज़ा आया होगा, रात के नज़ारे काफ़ी दिखाए, लाइव दर्शन भी कराए, करते ब्लॉग का एंड। जय माँ गंगे, नमामि गंगे, बाय बाय।